जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी के अनुपात और समानुपात। हमने अनुपात और समानुपात के आपको बेसिक जो जिस तरीके क्वेश्चन आते हैं वो कल आपको पिछली वीडियो में कराए थे। आज हम उससे कुछ आगे के जो कंसेप्ट है वो कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो तो दोस्तों, कल हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करा दिए थे, एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या बताया था, जो भी मतलब जैसे ये 3a = 4b = 6 है, 6c है, तो क्या करेंगे, जो भी हम ये जैसे a के गुणांक में 3 है, b के गुणांक में 4 है और c के गुणांक में 6 है, तो इन जो भी ये संख्या है इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है जी, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 12। तो 12 को जो भी इसके गुणांक में इससे भाग कर देंगे, फिर बी के गुणांक वाले के साथ में, फिर सी के, तो जो भी आएगा भाग करने के बाद वही हमारा रेशो होता है। यानी कि 3 से जब हम 12 को भाग करेंगे कितना जाएगा, 4। ऐसे ही 4 से जब 12 को भाग करेंगे कितना, 3। ऐसे जब 6 से हम 12 को भाग करेंगे तो 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको कल करा दिए थे। तो आज हम आगे और बढ़ते हैं। आगे देखो किस तरह के आगे जो है हमारे वैल्यू दी होती है ना, जो प्रतिशत में, उस तरीके के क्वेश्चन हो गए। जैसे हमारा क्या होता, जैसे मान लिया हमारा 20% ए बराबर 30%, बी बराबर 40%, सी है, तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये हमारे दे रखे हैं सब तीनों चीज, मतलब तीन ये टर्म है, तीनों इक्वल है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह से ये सारे कट जाएंगे क्योंकि तीनों में इक्वल है, 0 से 0। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 यानी क्या बचेगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अभी इससे पहले हमने पीछे ये क्वेश्चन आपको कराए थे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन तीनों जो भी ये टर्म है इनका एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। ठीक है जी, तो 12 को 2 से भाग करेंगे, सबसे पहले कितना आएगा, 6 अनुपात, फिर b के लिए 3 से भाग करेंगे तो कितना, 4, फिर इसी प्रकार 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक और आगे हम दूसरे टाइप के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनको देखो कैसे, एक अगला जो कंसेप्ट है इस तरीके से भी परसेंटेज में वैल्यू दे देती है, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी इस प्रकार। जैसे दे दिया 14 2/7% इंटू ए बराबर 11 1/9% इंटू बी बराबर 16 2/3% इंटू सी, तो ए बी सी का रेशो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनकी जो भी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज में याद करने के लिए आपको बताया था, ये क्या होता है हमारा 14 2/7% बराबर कितना होता है, 1/7, यानी कि इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/7 ए। और इसी प्रकार 11 1/9% कितना होता है हमारा, 1/9, यानी बराबर 1/9 बी। इसी प्रकार 16 2/3% कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 1/6, तो यानी बराबर 1/6 सी। अब देखो, ये पहले सबसे पहले हमने आपको इस तरीके क्वेश्चन करा दिए है, इससे मतलब पहली वीडियो में आपको कराए थे। जिस भाइयों ने ये वीडियो मतलब इस तरीके क्वेश्चन नहीं देखे, वो पिछली वीडियो को आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे आके इन क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है जी, अब देखो ये हमने कैसे बताया था, जब इस तरीके का इक्वल दी हो और फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो क्या होता है हमारा, जो ए का वैल्यू होगी जो उसके अपॉन में हो जाएगी, यानी कि 7:9:6। ठीक है जी, यही हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो जो ये हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए, इस तरीके क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब आते हैं हम जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं उनको करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एक्स बराबर 1/3y और वाई बराबर 1/2z है, तो एक्स वाई जेड का रेशो किसके बराबर होगा, ऑप्शन हमारा ये है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी दिया है एक्स बराबर 1/3y
और दूसरी कंडीशन दी है y बराबर 1 बटे 2 z। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले x और z का रेशो, x और y का रेशो यानी कि x बटे y बराबर 1 बटे 3 हो जाएगा। यहाँ से y अपॉन z कितना आ जाएगा हमारा, y बटे z आ जाएगा 1 बटे 2। अब देख लो जी, अब यहाँ पे निकालो x रेशो y रेशो z निकालना है, ठीक है जी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। अब देखो यहाँ पे y बराबर कितना है 3, यहाँ पे कितना है 1, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि y दोनों में कॉमन है, जो कॉमन टर्म होती है उनकी जो वैल्यू है उसको भी बराबर कर लेते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ, यहाँ जो y बराबर जो कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 बन जाए, तो मैंने यहाँ भी 3 की गुना और यहाँ भी 3 की गुना, यानी कितना होगा 3 बटे 6, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1 रेशो, y की वैल्यू कितनी आएगी 3 रेशो, और z की वैल्यू कितनी होगी 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, ऑप्शन ठीक जो सी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है a रेशो b इक्वल टू 2 रेशो 3 एंड b रेशो c इक्वल टू 4 रेशो 5 देन फाइंड द वैल्यू a रेशो c क्या होगी, ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे 8 रेशो 5, 15 रेशो 8, 8 रेशो 15 एंड 8 रेशो 7, ये हमारे ऑप्शन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, देखो कैसे करते हैं, यानी कि दिया है a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 4 रेशो 5। तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, a रेशो c की, ठीक है जी, यानी कि पहले से लास्ट वाले की वैल्यू निकालनी, क्या क्या तरीका था, तरीका क्या था, इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना, यानी कि 2 चौक 8 रेशो 3 5 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि a रेशो c कितना आ जाएगा, 8 रेशो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर c इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m रेशो n इज इक्वल टू 3 रेशो 2 है तो m 4m + 5n रेशो 4m - 5n किसके बराबर होगा, ऑप्शन हमारे ये है। देखो जी कैसे करेंगे, हमें दिया है m अपॉन n की वैल्यू दे दी 3/2, ठीक है जी, निकालना क्या है 4m + 5n बटे रेशो का मतलब यही तो होता है m - 5n, यानी कि m की वैल्यू हो गई हमारी 3, n की वैल्यू होगी 2, यानी कि इसमें m के स्थान पे 3 रख देंगे, n के स्थान पे 2 रखो जी, 4 गुना m कितना है हमारा, m है हमारा 3, यानी कि 4 गुना 3 + 5 गुना n कितना है 2, 5 गुना 2 बटे 4 गुना 3 - 5 गुना 2, 4 * 12 + 5 * 10, 4 * 12 - 5 * 10, 12 और 10 हो गए हमारे 22, 12 में से 10 गए, बच गए कितने हमारे 2, यानी कि इससे इसको काट देंगे 11/1, यानी कि जो फाइनल रेशो बनेगा हमारा कितना 11:1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन थ्री जो है हमारा ठीक होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 4 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 5 रेशो 7 एंड c रेशो d इज इक्वल टू 8 रेशो 9। तो a का d से अनुपात, यानी कि a रेशो d हमें निकालना है, a रेशो d यानी कि पहले वाले का लास्ट वाले से अनुपात निकालना है, ठीक है, ये इस तरीके का कंसेप्ट हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। कैसे करते हैं देखो जी, a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 4 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 5 रेशो 7 एंड c रेशो d इज इक्वल टू 8 रेशो 9। फाइंड आउट क्या करना है हमको, हमको निकालना है a से d, यानी कि ये b से b, c से c कैंसिल, a रेशो d बच गया, तो निकाल लो क्या करेंगे, इसको इनकी इधर गुना, इसकी इसकी इधर गुना, जो कटता है ऊपर ही काट लेंगे, फिर नीचे आसानी होती है, इन 4 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है जी, ये कितना हो गया हमारा 3 * 5 = 15 और ये 3 से ये भी कट जाएगा, 3 * 3 और 3 * 9। अब देखो ये 1 * 5 * 10 * 2 तो कितना हो गया 5 * 2 = 10, उसके बाद में 7 * 21, तो a से d का जो रेशो आया हमारा कितना आ गया 10:21, यही क्या होगा हमारा आंसर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए रेशो बी 2:9 अनुपात 1:3, बी अनुपात सी बराबर 2:7 अनुपात 5:14 और डी अनुपात सी बराबर 7:10 अनुपात 3:5 है। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जी कैसे करेंगे, मैंने आपको अच्छे से बताया था कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। सबसे पहले यानी कि जो जो दिया है उसकी वैल्यू रखो। ए अनुपात बी दिया है हमारा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ए बटे बी 2:9 उस पूरे के बटे में, क्योंकि इन दोनों का रेशो दिया है ए और बी का 1:3। अब देखो यहाँ पहले इसको सोल्व कर लो, यानी कि जो करता है उसको काट लो, 3 से 1 कट जाएगा 3 बार, यानी कितना हो जाएगा 2:3। यानी कि जो ए से बी का रेशो कितना आ गया हमारा, ए से बी का रेशो आ गया हमारा कितना 2:3। उसके बाद आता है हमारा बी बटे सी ऐसी 2:7 और पूरे ये 5:14, ये 7 एकम 7, 7 2 14 यानी कितना हो गया, इसके गुना ऊपर 1 के गुना 5 में 2 2 4 और 5, यानी कि बी से सी का अनुपात कितना 4:5। इसी प्रकार आता है हमारा डी से सी पर, यानी कि डी अपॉन सी कितना हो जाएगा हमारा 7:10 और 3:5, ये कट जाएगा फिर 5 एकम 5, 5 2 10, यानी कि ये इसके नीचे ये चला जाएगा 7 के 7, 7 एकम 7, 3 2 6, यानी कि जो डी से सी का अनुपात आया हमारा कितना आ गया 7:6। अब देखो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बताए थे, यानी कि जो ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी, यही तो है हमारा। अब लिख लो ए से बी का रेशो 2:3 है हमारा, उसके बाद में बी से सी का 4:5 आ गया हमारा, और सी से डी का अनुपात जो है 7:6। हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो जी इस तरीके जब क्वेश्चन था तो हम कैसे करते थे, ए से डी का अनुपात तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो दोस्तों जो ये है ना हमारा डी अपॉन सी नहीं था, ये था हमारा सी बटे डी, क्योंकि पहले से दूसरे का रेशो निकाल ले, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा ए रेशो डी अगर हमको निकालना हो तो क्या होगा हमारा, इधर वाला ये हमारा ए से बी का रेशो, बी से सी का, और ये भी हमारा सी से डी का रेशो है, ठीक है जी। अब हो करो, अब हमें निकालना ए से डी का रेशो, यानी कि इन इधर इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा एक वैल्यू, इधर सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डी की वैल्यू। यानी कि देखो 2 चौक 8, 8 के साथ में कराएंगे कितना 8 7 56, ऐसे इसी प्रकार 3 की 5 में 15, 15 की 6 में कराएंगे 15 6 का 90, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ए और डी का रेशो तो ये आ गया, यानी कि 56, और यहाँ पे ये डी की वैल्यू आ गई हमारी 90, ठीक है जी। अब देखो बी के लिए क्या करते थे हम, यानी कि ये और इन सब की मल्टीप्लाई, 3 गुना 4 गुना 7, 3 चौक 12, 12 के 7 में गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 12 7 84, यानी कि 84 अनुपात। अब हमें निकालनी है सी, तो सी बी के सी कैसे बताया था, यानी कि ये सी के सामने वाला इस तरीके से 7 5 35, ठीक है दोस्तों। अब देख लो ये हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 2A:3B, तो ए सी अनुपात बी डी का हमें मान निकालना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए बटे बी की वैल्यू दी है 5:7 और सी बटे डी की वैल्यू दी है 2A:3B। अब देखो यहाँ पे सी और डी की वैल्यू भी पूरी कर लो, यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो ए की ए है उसकी वैल्यू रख देंगे और जो बी है बी की वैल्यू, यानी ए कितना है 5, बी कितना है 7, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 5, 3 गुना 7, यानी कि 10 और इनके गुना 21, ठीक है भाइयों। यानी कि ए बराबर कितना 5, बी बराबर 7 हो गया, इसी प्रकार सी 10 हो गया, डी कितना होगा 21। हमें निकालना क्या है, ए सी अनुपात बी डी, ये हमको निकालना है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ए की है 5 गुना सी कितना आया हमारा 10, अनुपात बी कितना है हमारा 7, अनुपात डी कितना है हमारा 21, ठीक है जी। 5 की गुना 10 में कराएंगे 50,
इसके इसमें गुना कराएंगे तो सत्यकम सात और सात दुनी चौदह, ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स अनुपात वाई बराबर तीन अनुपात दो हो तो अनुपात इतने, मतलब जो ये है हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई अनुपात तीन एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। करो जी कैसे करते हैं, यहाँ से x बटे वाई बराबर हो जाएगा तीन बटे दो, यानी कि x बराबर हो गया तीन, y बराबर हो गया दो, पुट कर दो इसमें x के स्थान पे तीन, y के स्थान पे दो, यानी कि दो गुना x कितना है तीन, तीन का स्क्वायर प्लस तीन गुना y कितना है दो, यानी दो का स्क्वायर, अनुपात का मतलब बटे तीन गुना x का वैल्यू कितनी है तीन, तीन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई कितना है हमारा दो, यानी कि दो का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, दो गुना तीन का स्क्वायर नौ प्लस तीन गुना दो का स्क्वायर चार बटे तीन गुना, ये हो गया हमारा तीन का स्क्वायर नौ माइनस दो गुना चार। अब देखो नौ दुनी ये कितना अट्ठारह और तीन चौक बारह, यहाँ पे हो गया हमारा तीन निम सत्ताईस और जी ये हो गए हमारा बारह, इन दोनों को ऐड कर देंगे ये हो गए हमारे तीस, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये पाँच और पंद्रह, यही तो बचेगा पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस, यानी कि फाइनल जो रेशो आया दो रेशो वन, यानी कि टू रेशो वन इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है दो अनुपात तीन अनुपात चार हो तो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात सी अनुपात सी बटे ए, यानी कि ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए बराबर होगा। ठीक है जी, यानी कि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। हमें दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दो अनुपात तीन अनुपात चार, यानी कि हम मान लेंगे ए बराबर कितना दो, बी बराबर तीन और सी बराबर चार, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि मान लिया ए बराबर दो बी बराबर तीन सी बराबर चार, तो वैल्यू इसकी निकालनी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है दो बटे बी कितना है हमारा तीन, अनुपात बी कितना है हमारा तीन बटे सी, यानी सी कितना है हमारा चार, सी कितना है चार, ए कितना है हमारा दो। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, अब देखो जी सोल्व कैसे करेंगे, यानी कि ये कट जाएगा। तो दोस्तों अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि ऐसे सोल्व करते हैं इनको, जो हमारे नीचे वाला है ना इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है तीन, चार और दो का एलसीएम कितना होगा हमारा तीन का, चार का और दो का एलसीएम कितना होता है बारह, यानी कि इस पूरे में क्या करेंगे बारह के गुना करा देंगे। अब जब बारह के गुना कराएंगे तो इसके अंदर होंगे, यानी कि ये हो जाएगा दो गुना बारह बटे तीन अनुपात तीन गुना बारह बटे चार अनुपात चार गुना बारह बटे दो। बारह कहाँ से आया, बारह है इन तीनों का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आगे तीन से काट दो चार बार कट जाएगा, तीन से काट दो कितनी बार कटेगा तीन बार, दो से काटेंगे तो कितना कटेगा हमारा ये कट जाएगा छः बार, तो यानी कि दो के गुना चार में आठ अनुपात तीन की गुना कितने में तीन में, तो कितना हो जाएगा नौ अनुपात चार के गुना कितने में छः में, तो कितना हो जाएगा चौबीस, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, समझ आया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के और बराबर है ई अनुपात एफ बराबर एक बटे दो, यानी कि ए अनुपात बी इजिकल टू सी अनुपात डी इजिकल टू ई अनुपात एफ इजिकल टू वन रेशो टू। ठीक है जी, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये हमारा दिया है इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो कैसे करेंगे, यानी कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ, यानी ए बराबर बी, यहाँ से क्या दिया हुआ है हमारा ए बराबर सी बराबर ई बराबर तो दे दिया हमारा एक, यानी कि जो नीचे वाली संख्या b बराबर d बराबर f बराबर हो गया हमारा दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इन रेशो से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी निकल के, तो जहाँ पे a c और e है वहाँ पे एक रख देंगे, जहाँ पे b d और f है वहाँ पे क्या रख देंगे हम दो रख देंगे। तो करते हैं देखो जी, तीन गुना a, a की वैल्यू एक प्लस c क्या है हमारा एक, पाँच गुना एक प्लस सात गुना e क्या है एक, अनुपात है तो यानी बटे में बी गुना दो, बी की वैल्यू कितनी है हमारी दो,
प्लस 5 गुना 2 प्लस 7 गुना 2। ठीक है जी, अब इन सबको ऐड कर लो, 3, 5, 8, 8 और 7, 15। ठीक जी, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हमारा 10, ये हो गया हमारा 14। ठीक है जी, 10 और 14 कितने हो गए, 10 और 14 हो गए हमारे 24 और 6, 30। तो ये कितना होगा, 1/2, यानी कि जो रेशो बना 1:2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है जी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है जी, करो, यानी कि ए का मतलब गुना 2/3 भाग बराबर है बी के 4/5 भाग से। ठीक है जी, तो हमें ए अनुपात बी यहाँ से, यानी कि ए रेशो बी की वैल्यू निकालनी। तो देखो 2 से ये कट जाएगा हमारा 2 बार, यानी कि ये हो गया 1/3 बराबर 2b/5। ठीक है जी, यहाँ से क्या करेंगे हम, ए रखा हमने ऐसी, ये बी इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है जी, और ये 3 चला जाएगा 2 के गुना में, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, यानी ये हो गया हमारा 6/5, यानी कि ए अनुपात बी बराबर आ गया 6:5। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर जाओगे। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है जो अब तक क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप इन क्वेश्चन का बार बार रिवीजन करते रहना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 अभ्यर्थी पी और क्यू के अंक 2:5 के अनुपात में है, यदि पी के अंक 120 है तो क्यू के अंक क्या हो गए, ये निकालना। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो। यानी दिया है पी और क्यू के अंकों का रेशो 2:5, लेकिन जो पी के अंक दिए हैं वे कितने दिए हैं, 120। ये दिए हैं 120, यानी दो ना हो गए कितने, 120, यानी 2 का कितना गुना, 60 गुना। इसी प्रकार जो क्यू के अंक भी कितने हो जाएंगे, 60 गुने, यानी कितने, 300। इन दोनों की गुना करा दी कितना आ गया, 300। ये हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3 है तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। देखो भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से मान लो इसको। देखो कैसे करेंगे, इसमें ना हम वैल्यू पुटिंग करके देख लेंगे, वैल्यू पुट करके निकालना थोड़ा आसान होगा हमें। मान लो यदि मैं a की वैल्यू, a मान लिया हमने 1/3, बी मान लिया 1/3 और सी मान लिया 1/3। यदि मैं ए बी सी की वैल्यू 1/3 मान लेता हूँ तो देखो ये कंडीशन जो दी हुई है ये इसको सेटिस्फाइज करती है नहीं करती। अब देख लो भैया, पहली कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 होना चाहिए। अब देख लो, ए की वैल्यू रखेंगे 1/3, बी की 1/3 और सी की भी 1/3, ये सब कैल्शियम 3, 1+1+1। ठीक है, यानी कितना होगा, 3/3, 3 से 3 काट दिया 1, यानी कि सेटिस्फाई कर गई ये वैल्यू। इसी प्रकार अब इसमें भी रख के देख लो, यानी कि 1/3 × 1/3 प्लस 1/3 × 1/3 प्लस 1/3 × 1/3 कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, सब कैल्शियम कितना हो गया, 9, ऊपर 1, 1, 1, तो कितना हो गया, 3/9, 3 × 3, 3 × 9, यानी 1/3। यहाँ पे भी ये आ गया हमारा 1/3, तो यानी कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी प्रकार जो हमारा फाइनल रेशो बनेगा वो भी सिंपल ही आ जाएगा हमारा, 1/3 रेशो 1/3 रेशो 1/3, यानी कि 3 × 1 से तो कट जाएंगे, कितना आएगा, 1 रेशो 1 रेशो 1, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसको ये तो हमने क्या, हमने वैल्यू पुट कर इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जो अभी मैंने आपको वे फॉर्मूले पढ़ाए नहीं है। जब मैं आपको फॉर्मूले पढ़ा दूंगा वो हमारे एलजेब्रा में होंगे, तब उसको उस तरीके से इस क्वेश्चन को वहाँ पे भी करा देंगे। अभी वैल्यू पुटिंग वाला था, आप इस तरीके से सीखो और आगे भी इससे थोड़ा टाइम भी हमारा बचता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा। देखो कैसे करेंगे, ए अनुपात बी, यानी कि इसको ऐसे लिख लो, ये तो ए बटे बी बराबर दिया है हमारा 2/3, इसी प्रकार बी बटे सी बराबर दिया है 4 बटे
5। अब दोनों में कॉमन क्या है, बी है। अब लेकिन बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 4। तो ऐसा करो कि दोनों जगह बी की वैल्यू इक्वल बना लो, यानी कि इक्वल। अब 3 और 4 क्या बन सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम देख लो कितना, 12, यानी कि 12 12 बना लो। अब यहाँ पे 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना यहाँ, 4 से यहाँ। अब इसको 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना यहाँ, 3 से गुना यहाँ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 चौक 8 और 3 चौक 12, और ये हो जाएगा हमारा 4 3 12 और 3 5 15। ठीक है, तो हमें रेशो निकालना था ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, यानी कि ए की वैल्यू अब कितनी आ गई, 8, यानी कि 8 का स्क्वायर अनुपात बी, बी कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर अनुपात बी सी, बी सी यानी कि 12 गुना 15, क्योंकि सी की वैल्यू 15 हो गई। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, अनुपात इन दोनों की गुणा करा देंगे, 12 5 60, 12 के 12, 12 6 18, यानी 180। अब ये जो कटता है इसको काट लो, देखो जी 4 से कट जाएगा क्या, सब कुछ देख लो, ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 16, ये 4 से कट जाएगा, 4 4 3 12 और 24 हो गए, तो 4 6 24, ठीक है जी। अनुपात 4 से इसको काट दो, 4 से कटेंगे 4 चौक 16, 2 4 5 20, जो फाइनल हमारा रेशो बनेगा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से डील कर सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे, हमने माना दोनों संख्या एक्स और वाई है, दो संख्या मान ली हमने एक्स और वाई है, तो कहा है यदि किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है, यानी कि पहली संख्या एक्स का, एक मिनट दोस्तों, यानी कि पहली संख्या जो 8 है एक्स का 0.6 बराबर है दूसरी संख्या के, यानी दूसरी संख्या क्या है वाई के, 0.08 के बराबर, तो दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि x और y का अनुपात निकालना, यानी क्या करेंगे x बटे y इज इक्वल टू 0.08 अपॉन 0.6, ये हमें करना होगा सोल्व। अब देखो जी, अब ये दो पॉइंट के बाद पॉइंट है, दो अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक के, तो हम अपने पास यहाँ जीरो लगा लेंगे, अब क्या हो जाएगा दोनों जगह बराबर हो गए, यहाँ भी दो अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी दो, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 8/60। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 8/60, तो इसको अब सोल्व कर लो आगे, ये कट गया 4 से 2 बार, ये 4 से कट गया 15 बार, यानी कि 2/15, यानी कि जो संख्या है ना हमारी दोनों एक्स और वाई, जो इनका रेशो आया 2:15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो दोस्तों हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन हो गए आज हमारे, और बाकी क्वेश्चन हम कल कराएंगे। जो है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।